हेलो फ्रेंड्स, अग्रिमा कंप्यूटेक का एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज आप लोगों के साथ एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो करने के लिए मैं आ गया हूँ। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, यूँ कहे कि एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जिसको लेके आप कहीं भी जा सकते हैं। ये एक्चुअली रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, मतलब इसके अंदर ही रिचार्जेबल बैटरी दिया हुआ है। इसको आप चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद चला सकते हैं, या फिर चार्ज में लगा के भी चला सकते हैं। ये बेसिकली सायोमी ब्रांड का है। इसका मॉडल नंबर है MAX786 साउंड बार। ये एक्चुअली साउंड बार है और इसमें ब्लूटूथ है। आप इसको पेन ड्राइव से भी चला सकते हैं, मेमोरी कार्ड से भी चला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका पूरा वीडियो। ये ब्लूटूथ स्पीकर को रिव्यू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए इसका आउटर लुक देख लेते हैं, कैसा पैकेजिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये शायोमी का MAX786 साउंड बार विथ मोबाइल स्टैंड, USB मेमोरी, माइक्रो एस डी कार्ड, रिचार्जेबल बैटरी, मोबाइल स्टैंड। ऊपर में साइमी का ब्रांडिंग दिया हुआ है। साइड से देख लेते हैं, साइड में मॉडल नंबर और ब्रांडिंग दिया हुआ है। पीछे के साइड में देखते हैं, पीछे के साइड में मॉडल नंबर दिया हुआ है, मेड फॉर इंडिया। यहाँ पे मेड फॉर इंडिया लिखा हुआ है और BSI मार्क भी है इसके साथ। तो BSI मार्क दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट अच्छा ही क्वालिटी का होगा। इसको कैसे ऑपरेट करना है ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्पीकर का तस्वीर बना हुआ है और ये जो स्विच का फंक्शन कैसे करना है ये सब कुछ यहाँ पे नंबरिंग करके दिया हुआ है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ये नंबर 1। इसका काम क्या है, प्रेस वंस टू प्ले और पॉज एंड होल्ड टू चेंज द मोड। इसी तरीके से यहाँ पे जो जो नंबरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे वो नंबरिंग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो चलिए दूसरे साइड देख लेते हैं। दूसरे साइड में ये कलर वेरिएंट का टिक मारा हुआ है, एक ब्लैक कलर में आता है और एक सिल्वर कलर में आता है। और तो कुछ नहीं है, चलिए इसको फटाक से खोल लेते हैं। इसके साथ आया है एक चार्जिंग केबल और एक ऑक्स केबल। बढ़िया शाइनिंग फिनिश में है ये, और ये प्लास्टिक का मटेरियल है। सामने सायोमी का ब्रांडिंग एम्ब्रॉयडिंग किया गया है एक्चुअली, और ये मेटल का है, मेटल जाली का है। तो ओवरऑल लुक तो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये जो साउंड बार है इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं स्पीकर दिख रहा है। ये एक स्पीकर है और ये दूसरा स्पीकर है, तो मतलब इसमें दो स्पीकर लगा हुआ है। ये मोबाइल स्टैंड के बारे में जो लिखा था ये एक्चुअली ये है, ये मोबाइल स्टैंड है। ये मोड का स्विच है, ये वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, प्ले पॉज। और ये स्विच में दो तीन टाइप का फंक्शन है एक्चुअली, एक एक स्विच में एक से ज़्यादा फंक्शन है। पीछे के साइड में
यहाँ पे पेन ड्राइव लगाने का पोर्ट दिया हुआ है, ये माइक्रो एसडी कार्ड का पोर्ट है, और ये ऑक्स केबल, मतलब जो लोग 3.5 mm जैक के साथ चलाना चाहें तो ये ऑक्स केबल के थ्रू आप चला सकते हैं। यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और लिखा है DC 5 वोल्ट, मतलब ये DC 5 वोल्ट से चार्ज होता है, और उसके बगल में ही है ऑन ऑफ वाला स्विच। ये जो छोटा सा होल दिया हुआ है ये इंडिकेटर, चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। ये ऑन ऑफ वाला स्विच को ऑन कर देते हैं। Surround music speaker. तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही लाउड साउंड क्वालिटी है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मोबाइल से चला के देखते हैं इसका साउंड एक्चुअली में कैसा देता है। देखिए फ्रेंड इसका मॉडल नंबर आ गया है, जो मॉडल बॉक्स में लिखा था MAX 786। इसको पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग हो गई। अभी इसको यूट्यूब से कोई भी म्यूजिक चला के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका लाउडनेस तो बहुत ही बढ़िया है। ये जो साउंड बार है इसको देखने से नहीं लगता है कि ये इतना ज्यादा लाउड वाला साउंड देता है, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, फिर भी इसका जो बास क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छा है। जो प्राइस रेंज है इसका, ये 700 से 800 रुपये में मिल जाता है खुले बाजार में। ऑनलाइन में मिलता है कि नहीं ये मैंने नहीं देखा, आसपास के दुकान से ये शायद मिल जाएगा। ये मैंने हमारे एरिया में जो मोबाइल एक्सेसरीज का शॉप है वहीं से उठा है, इसको देखने से ही मुझे पसंद आ गया है इसीलिए मैंने इसको उठा लिए, और ये मैंने आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग भी शेयर किए। इसका जो साउंड क्वालिटी है ये ठीक ठाक ही है, मतलब जो प्राइस रेंज है उसके अंदर ये स्पीकर जो बास क्वालिटी दे रहा है, मतलब ये स्पीकर का जो साउंड क्वालिटी है ये बहुत ही बढ़िया है। आप लोग ये लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो साउंड क्वालिटी है तो मुझे बढ़िया लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा भी नहीं लगा होगा तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा क्यों अच्छा नहीं लगा, और मेरा फॉल्ट कहाँ पे है, क्या क्या फॉल्ट है मेरा, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।